दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ओप्पो A3s न्यू मॉडल के बारे में जो 2019 में अभी जो लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें दो वर्जन है, एक है CPH 1803 और दूसरा वर्जन है CPH 1853। ठीक है, तो ये दो वर्जन है। तो पिछले वाले वीडियो में आपको जो बताया था वो CPH 1803 का था और उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि बोर्ड में आपको किस तरह से जम्पर करना है EMMC का। ठीक है, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पिछले वाले मॉडल के बारे में CPH 1803 के बारे में और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट मॉडल है 2019 का CPH 1853 इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको जंपर करना है बोर्ड में और FRP कैसे रिसेट करना है आपको ऑनलाइन वाले मोबाइल का। ठीक है, तो जंपर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये CPH 1853, ये नया मॉडल है बिल्कुल 2019 का। इसमें जो आपको डायल करना है *899#, जैसे डायल करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन शो करेगा कि कौन सा वर्जन है। जैसे कि ये 1853 है। ठीक है, तो इसका हर मॉडल का जो है जंपर कनेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको जंपर की पहचान कैसे करनी है तो आपको गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका जंपर कहाँ पे लगेगा, इसका जो है CMD कहाँ पर है, CLK कहाँ पर है, ग्राउंड कहाँ पर है, VCC कहाँ पर है, VCCQ कहाँ पर है। ठीक है, ये सब आपको पता करना पड़ेगा गूगल पे, या तो फिर खुद आप जो है मल्टीमीटर से टेस्ट करके आप उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको अभी यहाँ डायग्राम के जरिए से आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको EMMC का जंपर किया जाता है और कोई भी ऑनलाइन वाले मोबाइल का अगर आप EMMC जंपर निकाल सकते हैं तो आप उसका FRP रिसेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल का जंपर जो है कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन आपको कनेक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि आपको कनेक्शन किस तरह से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है इसका कनेक्शन, तो आपको कनेक्शन किस तरह से करना है तो मैं आपको अभी डायग्राम के जरिए से आपको समझा दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और आप यहाँ पे देख लें कि मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर समझ लें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो पिन है 1 डाटा है, उसके बाद दूसरा नंबर जो है CMD है, तीसरा नंबर CLK है, चार नंबर ग्राउंड है। ग्राउंड आप बॉडी में कहीं भी दे सकते हैं। और पांच नंबर पे जो है VCCQ, यानी कि 1.8 वोल्ट होता है इसमें। ठीक है, अगर आप मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे इसका वोल्टेज तो 1.8 शो करेगा वोल्टेज, और VCC में आपका 3.3 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों की पहचान है। और उसकी बात यह है कि पहले का जो मोबाइल होता था, पहले का जो मदरबोर्ड होता था उसमें लिखा होता था ये सारा कनेक्शन। ठीक है, और अभी का जो मोबाइल आ रहा है उसमें कनेक्शन लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये सब आपको जो है हम आपको डायग्राम के जरिए से आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको कनेक्शन करना है ओप्पो A3s नया मॉडल का। ये पुराना मॉडल का है जो पहले वाले वीडियो मैंने बनाया था ओप्पो A3s का FRP रिसेट का, ये उसका है। डायग्राम आप यहाँ पे देख लें कि कहाँ कहाँ पे आपको जंपर करना है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे करना है, आपको डाटा का कनेक्शन कहाँ पे करना है, CMD का कहाँ पे करना है, CLK कहाँ करना है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है चित्र के जरिए से, आप थोड़ा समझ लें इसको। तो इसी तरह से आपको OPPO A3s 1803 यानी CPH 1803 का जंपर करना है। तो ये हुआ आपका पहले वाले मॉडल का जो मैंने वीडियो बनाया था। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे वाला मॉडल है जो अभी जो नया आया है 2019 में लेटेस्ट मॉडल OPPO A3s CPH 1853। तो इसका जंपर आपको इस तरह से करना है, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के जरिए से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लें। तो दोस्तों इसमें आपको कुल टोटल सिर्फ चार कनेक्शन करना है, एक ग्राउंड में देना है, बाकी तीन कनेक्शन देना है जो मैं आपको यहाँ पे चित्र में दिखा रहा हूँ इसी तरह से करना है। और बाकी आपको USB डाटा केबल जो अपने कंप्यूटर में लगाना है, आपको अपने कंप्यूटर में USB डाटा केबल लगाना है और वो डाटा केबल आपको फिर मोबाइल में भी आपको लगाना है, और ये चार कनेक्शन भी साथ में करना है। ठीक है, तो चारों कनेक्शन करेंगे, USB डाटा केबल लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि USB डाटा केबल जो है हम यहाँ पे इसमें लगा चुके हैं। उसके बाद जो कनेक्शन, चार कनेक्शन मैंने किया है, वो चारों कनेक्शन मैंने बोर्ड में जो है इसको एडाप्टर को लगा दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है UFI बॉक्स का जो है टूल हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, डाटा केबल मैंने लगा दिया है, चारों कनेक्शन मैंने कर दिया है इसमें। और यहाँ पे टूल में आपको सबसे पहले यहाँ पे पिन आउट पे चेक लगा देना है और डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे पिन पे आप क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइस आइडेंटिफाई करना है। जब डिवाइस आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ यूजर पार्टीशन पे आपको चेक लगाना है। ठीक है, क्लिक कर देना है यूजर पार्टीशन पे, उसके बाद स्पेशल टास्क पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके पास पिन लॉक लगा हुआ है मोबाइल के अंदर में, ओनली पिन लॉक लगा हुआ है, तो यूजर फैक्ट्री रीसेट करेंगे। और पिन लॉक अगर मान के चलिए उसके साथ बात अगर FRP भी है तो आपको फिर FRP भी रीसेट करना होगा। तो पहले पिन लॉक आपको रीसेट करना है, तो फैक्ट्री रीसेट करेंगे। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद यहाँ पे कुछ 5 मिनट तक आपका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर दिया। फैक्ट्री रीसेट जब डन हो जाएगा कंप्लीट पूरी तरह से, उसके बाद फिर आपको स्पेशल टास्क पे क्लिक करना है। और जैसे स्पेशल टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर FRP सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लियर FRP देंगे कुछ ही देर में आपका FRP रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल को जो है निकाल सकते हैं, आपका मोबाइल का जो जितना भी लॉक है वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान के चलिए मोबाइल का डेड बोर्ड को अगर रिपेयर करते हैं आप, तो डेड बोर्ड रिपेयर करने के लिए भी आपको सेम यही कनेक्शन करना होगा, यानी कि जो भी जम्पर हमने अभी किया था इसी हिसाब से ही जम्पर करके आप मोबाइल का डेड बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, ईएमएमसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेम कनेक्शन आपको ऐसे ही करना होगा जिस तरह से किया है, इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो है ऑन हो चुका है और इसका टोटल एफआरपी जो है और ये पिन लॉक जो है वो रिमूव हो चुका है और हम आपको मोबाइल को सेटअप करके दिखा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय।